हेलो एंड वेलकम टू टली एक्सप्रेस। मंजरी ने किया अभीर के सामने बड़ा खुलासा, साथ ही अभीर को बताया अपना और बिरला परिवार का रिश्ता। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, मंजरी के सामने आया है अभीर का सच और अब उसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी सब्र, जिसके बाद वो करने वाली है बड़ा तमाशा और अभीर होगा इस तमाशे का शिकार। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं डेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि ये रिश्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर चल रहा है। समर कैंप में बिरला फैमिली और शर्मा फैमिली मौजूद है। अभीर का सच भी आ चुका है अभिमन्यु के सामने और बड़ी बात यह है कि मंजरी भी जान चुकी है अपना और अभीर का रिश्ता। ऐसे में कैंप में अच्छा खासा तमाशा चल रहा है, जहां एक तरफ हर कोई अक्षरा को डांट रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभीर है परेशान कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से मंजरी अक्षरा पर इतना गुस्सा कर रही है। वह आपको बता दें कि उसके बाद ही मंजरी पहुंच जाती है अभीर के पास, लगा लेती है उसको गले से, उसको काफ़ी ज़्यादा चूमने लगती है, उसके माथे पर किस करके कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है, हमें मालूम ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में हो, वरना तुम्हें कहीं और ऐसे बिल्कुल नहीं रहने पड़ता। जिसके बाद अभीर कहता है अक्षरा से कि माँ ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रही हैं और ये रो क्यों रही हैं, ये तो रूही की दादी है ना। जिसके बाद कहती है मंजरी कि नहीं बेटा मैं तुम्हारी भी दादी हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, मंजरी बता देगी अभीर को अपना रिश्ता, बता देगी उसको कि वो उसकी दादी है और अभिमन्यु है उसका पिता। जिसके बाद अभीर आ जाएगा सदमे में, अक्षरा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी, वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो अभी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है वो किसी भी ऐसे बड़े सदमे से गुजरे। ऐसे में मंजरी के मुंह से निकल जाएगी इतनी बड़ी बात कि वो है अभीर की दादी। वेल, क्या होगा अभीर का रिएक्शन, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।